विशेष बातचीत में कोलारस क्षेत्र के जाने माने चेहरे पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष रविंद्र शिवहरे, जिन्होंने कोटा नाके पर कोटा से एमपी में आए हुए बच्चों के लिए खाने का प्रबंध कराया और गरीब लोगों के लिए मसीहा बनकर सामने आए। कोलारस के पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष रविंद्र शिवहरे जी आज हमारे साथ मौजूद है पास समाचार पर। आइए बात करते हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पास समाचार पर। सर, जो कल कोटा नाके पर बच्चे आए थे, 140 बच्चों में 1400 बच्चे जो आए थे, उनके लिए आपने फैसिलिटीज अवेलेबल कराई, जैसे कि आपने उनको फल और बिस्किट वगैरह, पानी, ये सब मुहैया कराया, इसके बारे में आपको बताएंगे। क्योंकि हमारे ज़िले में जो बच्चे हमारे मध्य प्रदेश से माननीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बुलवाए हैं, उन बच्चों को चूँकि मध्य प्रदेश में उनका बॉर्डर पर चेकअप होना था और ऐसी कोई व्यवस्था वहाँ नहीं थी, तो पूरे जो 14 जिले से बच्चे आए थे हमारे यहाँ, उन बच्चों के लिए नाश्ता, फल, पानी, चाय, ये सारी व्यवस्थाएँ महाराज सिंधिया फाउंडेशन के द्वारा हमारे सभी बच्चों ने की। और वहाँ जितने भी कर्मचारी मध्य प्रदेश से बच्चों को लेने आए थे, उनको भी चाय, नाश्ता और फल फ्रूट की व्यवस्था हमारे वॉलंटियर के द्वारा वहाँ की गई। और काफ़ी अच्छा लगा कि आज जो बच्चे हमारे मध्य प्रदेश के कोटा में फंसे हुए थे, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन परिवारों को एक खुशी दी कि उन अपने बच्चों से दूर रहकर कैसे महसूस कर रहे होंगे, वो बच्चे अपने घर पहुँचे काफ़ी खुश थे। लॉकडाउन में जैसे कि कल वो बच्चे जब आए होंगे वहाँ पर आप मौजूद होंगे, तो आपने देखा होगा कि बच्चों का जो एक रिस्पॉन्स रहता है वो कैसा उनको लग रहा था उस वक्त, जैसे कि वो आए और उन्होंने क्या उनका रिएक्शन था, बच्चों के चेहरे पर कैसे भाव थे? बच्चों के चेहरे पर काफ़ी खुशी थी, और कई बच्चों से जैसे बात हुई तो उनका कहना था कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा कि आज हम अपने परिवार के पास पहुँच जाएंगे, नहीं पल पल हम अपने परिवार को याद करके काफ़ी दुखी थे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मध्य प्रदेश सरकार को कि उन्होंने हमें अपने माँ बाप के पास भेज कर तसल्ली दी। अच्छा सर, लॉकडाउन में जैसे कि कोलारस में क्या स्थिति निर्मित हो रही है यहाँ पर, जैसे देखा जा रहा है कि गरीब परिवार परेशान है, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? हमारे कोलारस में क्योंकि प्रशासन काफ़ी मुस्तैदी के साथ लॉकडाउन का पालन हो रहा है, काफ़ी डॉक्टर्स हों या हमारे पुलिस स्टाफ हों, काफ़ी अपनी पूरी मेहनत के साथ ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और हमारे नगर में हमने ये लोगों से अपील की है कि कोई भी परिवार अगर भूखा, उसका राशन आसन नहीं है, तो उन सबको हमारे यहाँ से हम राशन देने का प्रयास कर रहे हैं। और जितने लोग ड्यूटी पर लगे हुए हैं उन सबके लिए हमने सिंधिया फाउंडेशन के द्वारा एक किचन खोल रखी है, उनको जहाँ वो ड्यूटी कर रहे हैं वहीं हमारी जो किचन सेंटर है इंडिया फाउंडेशन का, वहाँ से चाय और नाश्ता उनको भेजा जाता है ताकि वो हरस ना हो, उन्हें समय पर चाय मिल जाए, बाज़ार बंद है कहीं चाय नाश्ते की व्यवस्था है नहीं, तो क्योंकि ड्यूटी पर जो लोग आज इस महामारी को बंद कर रहे हैं उनको सारी सुविधाएँ हमारी तरफ से दी जा रही हैं। ये प्रयास है कि वो उनकी हौसला अफजाई हो और किसी चीज़ की कमी वो लोग महसूस न करें। तो ये थे हमारे साथ रविंद्र शिवहरे जी, जो कि एक बहुत ही साफ छवि के व्यक्ति माने जाते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया, एक मैसेज कन्वे किया लोगों तक। उन्होंने बताया कि वो इस लॉकडाउन में कैसे लोगों की सेवा कर रहे हैं, सेवा कार्य उनका लगातार जारी है और आगे भी वे इसी तत्परता के साथ सेवा भाव करते रहेंगे। समाचार के लिए शिवपुरी से मैं निशी भरगाव।